भाई है मेरा छोटा, इसने शादी कर ली इसके साथ मेरा रिश्ता पक्का होता, पूरी तैयारियाँ हो गई है, फिर अपना मतलब क्या मुंह दिखाऊंगा अपने रिश्तेदारी में कि छोटे भाई के साथ भाग के शादी कर ली उसने। रोहन रोहन पैर मत पड़े, पीछे हो जा। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं हूँ रति सिन्हा और आज मेरे साथ है रोहन और प्रीति। इन दोनों के बारे में क्या बताऊँ, बहुत महान हस्ती, मतलब सीरियसली ऐसे लोग भी धरती पे होते हैं। मतलब मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ कि जो प्रीति है इसकी शादी रोहन के बड़े भाई से होने वाली थी और शादी के एक दिन पहले इन दोनों ने भाग के शादी कर ली है। तो आज ये मेरे पास आए। आप लोग सीरियसली प्रीति, ये रो के आप क्या दिखा रहे हो? इससे क्या होगा कि आपने गलत किया? इसमें हमने गलत क्या किया? हम प्यार करते थे तो हमने शादी की। तो प्यार करते थे भाई तो पहले बोल देते ना घर वाले को। नहीं बोल पाए हम, क्या करें, सिचुएशन ऐसी थी, हालात ऐसे बन गए कि हमें शादी करनी पड़ी। इतना टाइम नहीं था कि मैं सबको हम बताएं। आपको रोहन, आपको नहीं पता था कि आपके भाई से इनकी शादी होने वाली है? पता था मैं, ये चीज़ तो मुझे नहीं। तो फिर ये शादी के एक दिन पहले क्यों भागे? घर वालों को बता भी तो सकते थे ना। सीरियसली मतलब होता है ना कि मैं आपको क्या बताऊं, मैं पता, बट जो भी है ना, ये तो पराई थी। आप तो अपने अपने थे ना, एक बार अपने भाई को बताते। मैं मुझसे नहीं हो पाया ना, इतना सीन नहीं कर सकती, भाई को नहीं बता सकती, क्योंकि फिर आने वाले टाइम में हमने काफी सारे वादे किए थे कि नहीं हमें साथ रहना, हमने भाई के काफी टाइम से हमारा प्यार। देखो मैं एक चीज बता रही हूँ रोहन, प्यार मोहब्बत अच्छी बात है, इंसान करता है, एक दूसरे के लिए सैक्रिफाइस करना चाहिए। डर भी था ना भाई का, डर इतना नहीं, लेकिन फैमिली से बढ़कर प्यार नहीं होता है। आपका प्यार ये एक दो साल का जो भी प्यार है आपका, आपका फैमिली, आपका भाई कितने सालों से आपके साथ है? जन्म से, जब से आप धरती में जन्म आए हैं, तो आप एक बार बात कर लेते, नहीं करते भाई, अपने भाई को समझाते, पूछ लेते। अभी जो आपने जो डिसीजन लिए ना, इससे उस ज्यादा हर्ट हुआ होगा। देखो प्यार मोहब्बत गलत चीज नहीं होता दोस्तों, मैं बोल रही प्यार मोहब्बत गलत नहीं है, लेकिन प्यार मोहब्बत इतना हो जाओ कि किसी और का दुख सुख कुछ नहीं दिखे, ये बहुत गलत बात है। तो एक साल का प्यार था, हम क्या करते हैं, हमने शादी कर ली, हम नहीं रह सकते थे इसके बिना, नहीं रह सकते थे। तो आप लोग इतने स्वार्थी हो गए, अभी भी आप लोग चीज समझ नहीं आ रहा। शादी तो की है हमने, क्या गलत किया इसमें? शादी करके गलत नहीं किया है आपने, किसी और की फीलिंग्स को मिडिल क्लास फैमिली समझते हो आप लोग, मिडिल क्लास फैमिली से हो ना, इतना समझ में आता है कि मिडिल क्लास फैमिली के लिए उसकी इज्जत ही उसका सब कुछ होता है। ठीक है, देखो गलत आपने नहीं किया रोहन, मैं आपको गलत नहीं बोल रही हूँ, लेकिन गलती आपने यहाँ की है, जब आप इससे प्यार करके अपने गलत नहीं किया, प्यार करते थे ना, घर पे बता देते। अब हालात ऐसे हो गए ना कि नहीं समझ आया उस टाइम भी हमें क्या करना चाहिए, जो ठीक लगा हमने कर लिया। मतलब आप बताओ, आपको तो समझदारी होना चाहिए ना। आप क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, भाई को बुलाना है, बातें भी करनी है कब से। अब क्या आपको लगता है कि वो भाई आपसे बात करेगा? मैं भी एक वीक से बात नहीं हुई है, मैं मिस्टेक कर भी। आप लोग अच्छा सच्ची बताओ, आप लोग को नहीं लगता आप लोगों ने गलत किया? मैम गलत किया है, बट क्या मैम क्या कर सकते, मैं भी मजबूर था, ये भी मजबूर था, हमें जो अच्छा लगा हमने वो किया मैम, आने वाले टाइम में ऐसे नहीं अलग नहीं रह सकते थे। अरे यार, तो आप लोग क्या चाहते हो मैं क्या करूँ? बस उनको बुला दो, उनसे माफी मांगना चाहती, मतलब जो भी हुआ देखो सो हुआ, बट अब हम चाहते हैं कि अब सब ठीक हो जाए। और हम उनको सीरियसली बता रहे ना, कभी भी कोई बड़ा डिसीजन से लेने से पहले ना, कभी एक बार सोच लिया करो, आपका ये कदम कितना कुछ कर सकता है, कितना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आपको लगता है कि आपके भाई आपको माफ करेंगे कभी? अंदर से तो नहीं करेंगे मैम, लेकिन एक बार ट्राई करूंगा, प्लीज मैम बुला दो, प्लीज मैम ट्राई करूंगा। मैं क्या ट्राई करूं यार, सीरियसली मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं उस इंसान को बुला के क्या बोलूं। टाइम हो गया मैम, मिले भी नहीं अब आपसे, एक वीक से ज्यादा हो गया मैम, प्लीज उन्हें देखो ना, आ जाए तो। यार पता नहीं, आप लोग बोले ना इंसान प्यार मोहब्बत में ना इतना पागल हो जाता है ना कि उसको कुछ नहीं दिखता है। मैम उस टाइम में जो हमें सही लगा हमने कोशिश किया ना मैम, अब रियलाइज हो रही है कि हमने मैम गलती की है, नहीं कह पाए हम किसी को अपने बारे में नहीं बता पाए। आप नंबर दो उनको, मैं कोशिश करती हूँ बुलाने का। 9267 9267 9। क्या नाम है इनका? मैम राहुल नाम है। क्या करते हैं? मैम उनका प्रॉपर्टी बिजनेस है मैम, सेल विल। देखो रोहन प्रीति, मैं कोशिश कर रही हूँ, बाकी माफ करना नहीं करना उनका डिसीजन, आप लोगों ने बहुत गलत किया, इस चीज के लिए मैं कभी हाँ नहीं बोलूँ कि आपने सही किया है। ठीक
बट मैं कोशिश कर रही हूँ, आपको अगर लगता है कि आप गलत है तो। हेलो। हेलो, हाँ जी, हाँ राहुल बात कर रहे हो? हाँ जी राहुल बात कर रहा हूँ। हाँ मैं रति बात कर रही हूँ। बोलिए। मैंने अपने आपकी फ्रेंड से नंबर लिया था, मेरे फ्रेंड ने बताया कि आप प्रॉपर्टी का मतलब सेल करते हो। हाँ जी, हाँ जी, प्रॉपर्टी का ही काम है मेरा, सेल परचेज का है। हाँ तो मुझे ना एक्चुअली प्रॉपर्टी चाहिए था, मतलब ये अच्छा? द्वारका साइड में। द्वारका में मैडम, कौन सी लोकेशन में? ये मेट्रो साइड जो है ना, मेट्रो साइड में। हाँ वहाँ पर मतलब एक होता है ना कि मुझे अपना एक दुकान ओपन करना था, तो ठीक है, कोई इशू नहीं है मैडम, मिल जाएगी। अगर रेंट पे भी हो तो चलेगा, अगर ऐसे मिल गया तो मैं परचेज भी कर सकती हूँ। ठीक है मैडम, कोई इशू नहीं है, रेंट पे भी। तो मतलब कब मीटिंग कब हो सकती है आपसे, कब तक हो जाएगी मीटिंग? मैडम आपको 2 दिन बाद हो पाएगी, क्योंकि अभी तो मैं थोड़ा सा बिजी हूँ। 2 दिन बाद हो पाएगी? एक्चुअली मैं कल बैंगलोर जा रही थी और मैं 1 वीक के बाद आऊंगी, तो अगर आप आज मीटिंग कर लेते तो। चलो मैडम देखता हूँ, मैं एक बार लोकेशन भेज दूँ, मेरे पास टाइम होता तो मैं आता हूँ। प्लीज आप आ जाओ, क्योंकि मुझे अर्जेंट था, मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड ने आपको रिकमेंड किया, बोला कि बहुत अच्छा इंसान है, अच्छा काम करते हैं, तो एक बार आप आ जाते, मैं लोकेशन भेज दूँ, एक बार आ जाते तो सही रहता। चलो मैडम मैं देखता हूँ, एक बार मेरे को लोकेशन सेंड कर दीजिए, मैं एक बार देखता हूँ। ओके, ये नंबर है ना, मैं कॉल करूँ? हाँ जी, आके आप एक बार कोशिश करिएगा ना, आज मीटिंग हो जाए तो ज़्यादा सही है। ठीक, ओके, थैंक यू। देखो मैं उन्हें बुला रही हूँ, वो भी बोले अगर आए तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं आए तो भी देखो जो भी चीज़ है, बट माफ़ करना नहीं करना उनके डिसीजन होना चाहिए। अब आप लोग जानना आपको कैसे क्या करना है, बट मैं इस पर कुछ नहीं कर सकती हूँ। मैंने, मेरा काम था बुलाना, मैंने बुला दिया है। ओके, ठीक है, आप मांगना माफी, मुझसे जितना होगा मैं करूँगी। ओके, वेट कर लेते हैं दोस्तों। हेलो, हाँ आप कहाँ पर हो, आ गए हो क्या? इधर आ गए हो मैम, लोकेशन में, ये कौन सी पार्क की लोकेशन है क्या? हाँ जी पार्क की, अब गेट के अंदर। हाँ मैं गेट से एंटर कर चुका हूँ। हाँ हाँ इधर, ये येलो कलर का टी शर्ट आपने ही पहना है? हाँ जी, हाँ जी मैंने। हाँ हाँ इधर 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 इस साइड में, हाथ दिखा रही, हाँ आ जाओ। हेलो, आइए बैठ। मैं एक्चुअली मैं यहीं पर थी ना, मुझे कुछ काम था और मुझे कल सुबह में निकलना है ना, तो मैंने सोचा कि यहीं पे बुला लेती हूँ। आपको कोई प्रॉब्लम है? नहीं, ऑफिस वगैरह पे आ जाते, मैं वही कह रहा था यहाँ पे। नहीं नहीं मैं यहीं पे थी, मैंने सोचा कि मैं अभी आ नहीं सकती, मुझे यहाँ पे कुछ काम था। तो मतलब आप वो दिखा बता सकते हो प्रॉपर्टी वगैरह का? हाँ प्रॉपर्टी का एक है ये अपना द्वारका, द्वारका साइड में मिल जाएगा मेट्रो स्टेशन। आप फोटोज वगैरह दिखा सकते हो? कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना हुआ आने में? प्रॉब्लम तो कोई नहीं हुआ, यहाँ का तो वैसे एरिया पता ही है मुझे। नहीं मेरे एक फ्रेंड ने बोला कि मतलब मुझे एक्चुअली, मैं होता है ना कि मेरा वो क्या बोलते हैं, कुछ बिजनेस है, तो होता है ना मुझे रेंट पे चाहिए रहता है, रेंट पे अगर मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर देखिए परचेज करना है तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मुझे लाइफ टाइम वो वहाँ काम करना है। अगर मेरी जो सलाह दूं तो आप परचेज ही करो, क्योंकि रेंट तो ऐसे भी लगेगा, बट कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत सारे प्रॉपर्टी डीलर होते हैं जो बेचना नहीं चाहते हैं बट रेंट पे दिला सकते हैं, तो इसलिए मैंने बोला। तो आप एक बार कुछ आपको दिखाया था, मैंने लोकेशन बताया था, देखो एक तो यहां भी इस साइड पे चेक कर लो। ओके, ये वाला, ये अच्छी काफी खुली शॉप है, बड़ी शॉप है ये, आपको मेट्रो से एंटर करोगे ना थोड़ा सा आगे जाओगे तो पहले कट में ही है शॉप। सही है। अच्छा एक्चुअली ना मुझे मतलब कुछ बात करनी है, ये तो मैं करूँगी काम, एक थोड़ा सा बात करनी थी एक्चुअली, मतलब मुझे आपको किसी से मिलाना था। आप मुझे किसी से आपको मिलाना था, एक मिनट आप वेट कर लोगे? मतलब प्रॉपर्टी के सिलसिले में? नहीं प्रॉपर्टी के सिलसिले में नहीं, एक्चुअली आपका पर्सनल मैटर है कुछ उस मामले में। आप एक मिनट वेट कर लो, मैं बुला दूं अगर आपकी परमिशन हो तो। नहीं एक्चुअली ना मेरे को निकलना भी है, मैं थोड़ा लेट हो रहा हूं। प्लीज एक बार आप वेट करो, देखो मैं जो भी जो आपको है इसमें, और देखो मैं एक चीज बता रही हूँ, मैं देखिए मैं बी ऑनेस्ट बता रही, सच्चाई बता रही, झूठ नहीं बोलूंगी। वहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, मेरे पास माइक है। ओके,
यहाँ पे मैं आपको झूठ बोलूँगा, मुझे कोई प्रॉपर्टी नहीं लेनी है, बस मुझे आपको यहाँ बुलाना था, कुछ काम था और किसी से मिलाना था। एक मिनट आप रुको, मैं उसे एक मिनट प्लीज रिक्वेस्ट करूँ। एक सेकेंड, हाँ आ जाओ आप लोग, कैमरा वगैरह भी आप एक मिनट, एक मिनट राहुल, एक मिनट आप रुक सकते हो, एक मिनट आप रुक जाओ प्लीज, प्लीज मुझे मिलाना है। ठीक है, ये क्या बकवास है? राहुल 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 मेरी बात सुनिए, सुनिए राहुल 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 प्लीज प्लीज मेरी बात सुनिए, देखिए बताओ, सुनिए सुनिए बताओ किस लिए बुलाया, सुनो प्रॉपर्टी के लिए। ये दोनों, ये आपका भाई है और ये प्रीति, दोनों आपसे मिलना चाहते थे, माफी मांगना चाहते थे, इसलिए इन्होंने बोला कि आपको बुलाने के लिए, अब आप इनसे बात करो, इनको माफी मांगनी है। भैया भाई तू मेरा है नहीं, ठीक है, बच्चे की तरह तेरे को मैंने रखा था, शर्म नहीं आती तुझे? भैया भैया कौन सी माफी, किस चीज की माफी मैडम, क्या मजाक है इनका? इन्हें देखिए, मैंने बोला ना कि ये माफी मांगना चाहते हैं आपसे, इसलिए बहुत रिक्वेस्ट किया कि आपको बुला दे। बताओ, भाई है मेरा छोटा, इसने शादी कर ली इसके साथ मेरा रिश्ता पक्का होता, पूरी तैयारियां हो गई है, फिर अपना मतलब क्या मुंह दिखाऊंगा अपने रिश्तेदारी में कि छोटे भाई के साथ भाग के शादी कर ली उसने। भैया भाई तो मेरे को मत बोल, समझ गया भाई, मत मैं पीछे हो जा, तेरी तो मैं शक्ल ना देखूं। राहुल राहुल मैं आपकी बात समझ रही, मेरा दिमाग मत खराब कर, तेरे को शर्म नहीं आई? बेइज्जती करा रहा है तू, घर रिश्तेदारों के आगे बेइज्जती करा रहा है, मेरे बड़े भाई की भी करा रहा है, तेरे को बच्चे की तरह मैंने रखा, तेरे को शर्म नहीं आती? मेरे को हाथ मत लगा, पीछे हो जा, मेरे को हाथ मत लगा, मेरा दिमाग मत खराब कर, तने कोई और बाहर का होता तेरे को बताता मैं, निकल जा यहाँ से चल। हाथ मत लगा, सुनो सुनो राहुल राहुल प्लीज राहुल राहुल प्लीज, आप देखिए मैं नहीं बोल सकती, खुद देखो ना, नहीं 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 मैं नहीं बोल सकती आपके, बट आप मैं सुनो सुनो राहुल, मैं निकलवा के रख दिया पूरी रिश्तेदारी में जुलूस निकलवा, तेरे को शर्म नहीं आती? तेरे को नीचे देख रहा शरीफ बन रहा है, जब तेरे को उसके साथ करनी थी तो पहले मैं मर गया था, मैं तो तेरी सारी बात सुनता हूँ ना, इधर देख मेरे को देख के बात कर, मैं तो तेरी सारी बात मानता हूँ, सुनता हूँ ना बड़े भाई होने के नाते, इतनी तो शर्म कर लेता। डर था, अच्छा डर होता ना, डर होता भाग के शादी नहीं होती, और शर्म नहीं आती? मतलब भाई की शादी होने वाली है उनके साथ एक दिन पहले, मतलब मैं कैसे बोल दी आपको, एक साल का प्यार था हमारा, ये पहले मुंह नहीं खुला तुम्हारा लोगों का दोनों का एक साल। राहुल राहुल सुनिए 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 प्लीज प्लीज काम डाउन, शांत हो जाइए आप। मैडम मेरे को इनकी शक्ल ही नहीं देखी ना आपने, सुनिए नहीं 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 सुनिए, तू तेरे को तो मैं घर से निकालूंगा, सॉरी सॉरी बोल रहा है, सुनिए सुनिए राहुल प्लीज, मैं समझ रही हूं, क्या होगा, माफ कर दूंगा, नहीं करूंगा, निकल यहां से चल, खड़ा हो जा, पीछे हो जा, हाथ भी मत लगा, टच भी मत कर मुझे, मेरे को टच मत कर, मेरे को टच मत कर, पीछे हो जा, तुम्हें शर्म नहीं आई? हाँ ये तो चलो ठीक है, छोटा भाई है, निकम्मा एक नंबर का, ये तुम्हें शर्म नहीं, तुम्हारे माँ बाप कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं है, भाग के शादी कर रहे हो, हाथ मत लगाओ मुझे, अब तो मैं वैसे भी नहीं करूंगा, तो तेरे को तो मैं घर से निकालूंगा भाई, अगर तू मानता होता ना मेरे को, बड़ा भाई मानता होता, इधर देख बड़ा भाई, उधर देख बड़ा भाई, तू मेरे को मानता होता ना, तू ये काम नहीं करता, जिन्होंने दिमाग खराब कर रहा है।
क्या क्या गलती होगी, पैरों पड़ने से क्या होगा, पीछे होता मेरे को, शक्ल पीछे होता, शक्ल भी नहीं देखनी तेरी मेरे को, हाथ मत लगाओ, तुम्हें शर्म नहीं आती, मैडम मैं नहीं रहूंगा इनके साथ, मुझे एहसास हो गया मैं अपनी गलती, तू तो निकल तू जा, तेरे को नहीं रखूंगा, तेरे को तो घर पे भी नहीं रखूंगा, मैडम जा रहा हूँ अपने इन चीजों के लिए बुलाई है रपड़े के, अरे क्यों भैया मान दो, भैया नहीं मानेगा भैया, बहुत मान लिया भैया ने, देख लिया, शर्म नहीं आती, बेइज्जती करा के रखती है पूरे खानदान में, अरे तू मेरे से पूछ लेते, मर गए थे हम, ये माँ बाप मर गए थे, हम मर गए थे, भाई मर गया था, कौन मर गया था, जिंदा है ना तेरे सामने सारे, दिमाग खराब कर दिया मेरा भी और अपना भी, ये गलतियां हर बच्चा करता है ठीक है, लेकिन इतनी बड़ी गलती कोई नहीं करता कि शादी कर ले, वो भी उसके साथ जिसकी भाई की, बड़े भाई की शादी होने वाली है, उसी की वाइफ के साथ, मतलब इतनी शर्म नहीं है तुम्हें, तुम्हें तो होनी चाहिए शर्म, प्यार करते थे हो गए, मैडम मैं नहीं रहूंगा, मैं इनके साथ, इसको तो मैं रखूंगा भी नहीं, जाओ यार तू भी निकल चल, या मैं निकल, क्या होगा इससे, जा कर ली ना शादी, रहा उसके साथ, मेरे को नहीं रखूंगा घर में, निकल यहां से।